हेलो दोस्तों, तो अपन अपने ऑडिट के फ्री फास्ट ट्रैक बैच, हाँ भाई बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक बैच है। इसी यूट्यूब चैनल नहीं में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पूरे फ्री फास्ट ट्रैक बैच का। और उसके अंदर अपन चैप्टर नंबर 16.2 दैट इज इन्वेस्टिगेशन पे पहुंच चुके हैं। तो सर अपन इसमें अलग क्या कर रहे हैं? अपन इसमें अलग बिल्कुल ये कर रहे हैं कि समझने के साथ साथ रटने पे बहुत अच्छा फोकस दे रहे हैं। रटाने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, मैं रटाऊंगा, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है सारी मैं ही रटाऊंगा, मतलब मैं ही रटाऊंगा। क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करोगे, ऑडिट के अंदर नहीं रटोगे, तब तक आपको उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले, कटु सत्य। ओके, और अपन ये चेयर करेंगे जो मैंने बुक रिलीज करी थी कुछ ही दिनों पहले, जो कि बिल्कुल टेबुलर और चार्ट फॉर्मेट के अंदर है। पूरी टेबुलर और चार्ट फॉर्मेट, पैराग्राफ फॉर्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने नहीं रखे है। सब की सब चीजें हाईलाइटेड है, जो भी कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ चीजें हाईलाइटेड, अंडरलाइन वगैरह प्रॉपर है। और मेन चीज, ओनली 500 पेजेस के अंदर, ओनली 500 पेज के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। वो कैसे हुआ है वो तुम देखना, जब पढ़ोगे जब पता पड़ेगा। 500 पेजेस के अंदर सारे कॉन्सेप्ट तो है, हर कॉन्सेप्ट के नीचे उसका क्वेश्चन भी दे रखा है, हर कॉन्सेप्ट के नीचे उसका क्वेश्चन है, मतलब ऑल क्वेश्चंस एज ऑल कॉन्सेप्ट ओनली 500 पेजेस के अंदर है। अब तुम पढ़ोगे तब तुमको समझ आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सॉफ्ट कॉपी परचेस करने के लिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेशन। सर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होता है किसी भी चीज को इन डेप्थ इन्वेस्टिगेट करना, समझते हो ना, किसी चीज को इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना, जो उसने अपन को फैक्ट दिख रहा है वो फैक्ट का पता लगाने के लिए। कहीं भी इन्वेस्टिगेशन, तुमको वर्ड पता ही होगा। अब ये इन्वेस्टिगेशन जनरली तुमको क्यों ज्यादा पता होगा? क्योंकि तुम कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 208, 209, 210, 212 ऐसे कुछ सेक्शंस है ना, तुमने पढ़े होंगे इन्वेस्टिगेशन के सेक्शन कंपनीज एक्ट के अंदर, वहीं पे सारे इन्वेस्टिगेशन था। तो इन्वेस्टिगेशन तो समझते हो किसी भी चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। तो अब इन्वेस्टिगेशन कब कब होता है? कभी भी, कभी भी। अगर कंपनी के अंदर फ्रॉड चल रहा है कोई भी, मैनेजमेंट को लग रहा है कि यार यहाँ पे मेरे इन्वेंट्री के मामले में कोई फ्रॉड चल रहा है, या ऐसा कुछ भी गलत चल रहा है, इन्वेंट्री हाई दिन चोरी हो रही है, कैश कभी भी चोरी हो रहा है, मैनेजमेंट कोई वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन करा लेगा। या फिर किसी बंदे ने शिकायत करी जो तुम कंपनी में पढ़ के आए, बाहर वाले शेयर होल्डर ने, या किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए शिकायत कर दी, स्पेसिफाइड नंबर लोगों ने शिकायत कर दी कि इस कंपनी में कुछ फ्रॉडुलेंट मैटर चल रहा है, लो का कंप्लायंस वगैरह नहीं चल रहा है, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगी कि अपन को इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा। ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन तब तब होता है। या फिर हो सकता है बैंक लोन दे रही हो, बैंक लोन देने के पहले भी इन्वेस्टिगेशन कराए, कंपनी का जो दिख रहा है असली में वही हो, अपन किसी को एक्वायर कर रहे हो तब उसका इन्वेस्टिगेशन कराए, कोई अपन में इन्वेस्टिगेट कर रहा हो तो वो बंदा अपना इन्वेस्टिगेशन कराए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन से क्या फर्क निकला? ड्यू डिलिजेंस होता है कोई भी जो भी मटेरियल फैक्ट है, मटेरियल फैक्ट को स्टेब्लिश करना कि जो मटेरियल फैक्ट जैसे दिख रहे हैं वैसे के वैसा ही है। तो एक तो वो थोड़ा ऊपर से होता है, कंपैरेटिवली ड्यू डिलिजेंस थोड़ा ऊपर से होता है, ब्रॉडली होता है, और ड्यू डिलिजेंस सारे एरिया का होता है, सब कुछ एरिया का होता है। और जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन एक स्पेसिफिक एरिया, मतलब जिस चीज के लिए स्कोप जो डिफाइन हुआ है ओनली वही चीज के लिए। ड्यू डिलिजेंस तो पूरा का पूरा करेंगे, हर कंपनी को पूरी एक एक चीज देखेंगे कि डील करनी नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अब तुमने केवल इन्वेंट्री की इन्वेस्टिगेशन करने के बुलाया, तो केवल इन्वेंट्री पार्ट पे अपन अटके रहेंगे, और वो डीपली करेंगे कंपैरेटिवली, ठीक है। चलो अब सबसे पहले तो सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो हमको, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के अंदर डिफरेंस बता दो, ठीक है। तो डिफरेंस अब आपको बता देता हूं। ओपी नियो ऑडिट रिपोर्ट, ओपी नियो ऑडिट रिपोर्ट, ये याद करना है, ये हेडिंग है, बेसिस वाली हेडिंग। अगर एग्जैक्ट लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, सीधी बात है ना, नहीं मिलेंगे, तुमको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसलिए मैं बेसिस की भी ट्रिक बनानी पड़ रही है, ऑनेस्टली इसी ट्रिक याद नहीं करानी चाहिए आईसीआई को, ये चीज दिमाग से पढ़ के हो जाएगी, सीधी बात है। इन्वेस्टिगेशन और भी क्या डिफरेंस है, मैं 2 मिनट तुमको आधी चीज तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ चुकी है, मैं पढ़ाऊंगा तो भी याद हो जाएगा, पर मेन दिक्कत ये है कि तुमको एग्जैक्ट कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, इस वजह से मैं तुमको ये ट्रिक भी ये भी याद कराना पड़ रहा है एग्जैक्ट, ठीक है ना। ओपी नियो ऑडिट रिपोर्ट, ओपी ओपी ओपिनियो ऑडिट रिपोर्ट, ओपिनियो ऑडिट रिपोर्ट, एनआईईओ, नियो की स्पेलिंग क्या है? एनआईईओ, एनईओ नहीं है, एनआईईओ, ई भी आ रहा है आई भी आ रहा है। ओपिनियो ऑडिट रिपोर्ट, 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 ओपिनियो ऑडिट रिपोर्ट। तो अब सबसे पहले ओपी, ऑब्जेक्टिव पीरियोडिसिटी, ओपिनियो एनसे नेचर इनहेरिट लिमिटेशन, एनआईईओ नेचर इनहेरिट लिमिटेशन क्या है? ई से एविडेंस, एनआईई से एविडेंस, ओ से ऑब्जर्वेशन, ओ से ऑब्जर्वेशन, ऑल्सो ऑब्जर्वेंस, सॉरी ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेशन अलग हो जाएगा यहाँ पे। ऑब्जर्वेंस ऑडिट रिपोर्ट का ए आर, अपॉइंटिंग एजेंसी कौन होगी, रिपोर्टिंग कौन होगा, ए आर और अपॉइंटिंग एजेंसी और रिपोर्टिंग, अपॉइंटिंग एजेंसी और रिपोर्टिंग।
तो ये तो क्या हो गया, ओपिनियो ऑडिट रिपोर्ट। इनका मतलब अब वो ओपिनियो ऑडिट रिपोर्ट वो ठीक है, यही याद करने का था तुमको। डिफरेंस ऑटोमेटिक आते हैं, मैं बताता हूँ तुमको। इन्वेस्टिगेशन में क्या था, सब चीज किसी भी डिटेल चीज का एग्जामिनेशन करना, फैक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए, कोई भी फैक्ट है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, हाँ यही हुआ है असली के अंदर, कोई भी फैक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए अपन को इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है। ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू है या नहीं, थ्रू एंड फेयर है या नहीं, वो चीज पता करने के लिए पता था तुमको। ऑडिट पता था, स्कोप क्या होता है, स्कोप ये होता है कि ऑडिट रिपोर्ट तो हमेशा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से ही बनेगी, जो भी मतलब लॉ एंड रेगुलेशन जो कंपनी से डील करता है उससे होगा, और इन्वेस्टिगेशन इंटरनली भी हो सकती है, नॉन स्टैट्यूटरी भी होती है और स्टैट्यूटरी भी हो सकती है, दोनों बताया था मैं तुमको। पीरियोडिसिटी, ऑडिट रिपोर्ट जनरली इस फिक्स होता है ना कि ऑडिट आपको क्वार्टरली लिमिटेड रिव्यू करना पड़ेगा, और ईयरली आप करना पड़ेगा, आपको ऑडिट करनी पड़ेगी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 6 मंथ में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने पड़ेंगे सेबी वगैरह को। तो ये उस हिसाब से पीरियड बेस्ड होता है इन्वेस्टिगेशन को, पीरियड बेस्ड इन्वेस्टिगेशन में बोलते हैं इन्वेंट्री में फ्रॉड है आपको पता लगाना है, आपको मर्जी हो जहां से जब से पता लगाओ, ठीक है। नेचर, नेचर क्या होता है इसका, वॉलंटरी नेचर का भी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन वॉलंटरी नेचर का है। अब यहाँ के अंदर ये तो मैंडेटरी हो गया भाई, ऑडिट रिपोर्ट तो हमेशा मैंडेटरी करानी पड़ेगी। एविडेंस का एक होता है, एक जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ हर बार की जो भी इन्वेस्ट इसके अंदर जो भी होता है वो प्राइमा फेसी एविडेंस होता है, वो कंक्लूसिव नहीं होता है, ठीक है ना। कंक्लूसिव मतलब आपको जो फाइनल स्टेब्लिश हो गया फैक्ट वो ही होगा। अपन ऑडिट के अंदर क्या करते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते, क्योंकि अपने एविडेंस पर अपन को शक होता है, क्योंकि अपने सैंपल चेकिंग करी भी होती है, इनहेरेंट लिमिटेशंस है कुछ ऑडिट की। तो कभी भी एविडेंस अपन को फाइनल बिल्कुल कंक्लूसिव प्रूफ नहीं देगा, अपन केवल एक रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। तो वो यहाँ पे क्या होगा, एक प्राइमा फेसी एविडेंस मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कंक्लूसिव एविडेंस मिलेगा। ऑब्जर्वेशन एनालिटिकल इन नेचर, दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा भारी वाला, इधर केवल देखना है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल वगैरह फॉलो हो रही नहीं हो रहे, यहाँ पे इसकी इनहेरेंट लिमिटेशन कुछ भी नहीं होती इन्वेस्टिगेशन की, इसकी इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिट की होती है। अपॉइंट कौन करता है, थर्ड पार्टी कैन अपॉइंट इन्वेस्टिगेटर, थर्ड पार्टी कैन अपॉइंट इन्वेस्टिगेटर। यहाँ पे मतलब जो मैंने बोला था ना तुमको, सीजी अपॉइंट कर सकता है, आरओसी अपॉइंट कर सकता है, वो यहाँ पे कौन करेगा, ऑनर शेयर होल्डर ही करेंगे अपॉइंट तो ऑडिटर को। तो रिपोर्टिंग किसको करनी है, जिसने बोला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको, यहाँ पे ऑनर्स को रिपोर्टिंग करनी है ओनली, मतलब शेयर होल्डर्स को, ठीक है। ओके, ये तो हो गया डिफरेंस। ओपी नी ओ ऑडिट रिपोर्ट, ओपी ओ से ऑब्जेक्टिव, पी से पीरियोडिसिटी, एन से नेचर, आई से इनहेरेंट लिमिटेशन, ई से एविडेंस, ओपी एन आई ई ओ से ऑब्जर्वेंस, ऑडिट रिपोर्ट ए से अपॉइंट कौन करेगा ऑडिट रिपोर्ट, आर से रिपोर्टिंग किसको करेगा, ठीक है। ओपी नी ओ ऑडिट रिपोर्ट। अब स्पेशल इश्यू क्या है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, कुछ स्पेशल इश्यू है या एमसीक्यू पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, विशेष के एक दो चीजों के सीनियर पॉइंट भी आ चुके हैं, पर फिर भी एमसीक्यू के लिए तो पूरा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेटर क्या सैंपलिंग कर सकता है क्या, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, सिचुएशन सिचुएशन, जब इन्वेस्टिगेटर को लगेगा कि यार यहाँ पे सैंपलिंग करना वर्थ है, लग कर सकते हैं तो आप कर सकते हो, अंटिल अनलेस आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है जिसने आपको इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करा है उसने बना करा है कि आपको केवल फुल्ली फुल्ली मतलब कॉम्प्रिहेंसिव ही चेक करना है, सैम्पलिंग बिल्कुल नहीं करनी, अगर ऐसा कर रखा है तो ठीक है, तो आप नहीं कर सकते, अदरवाइज आप अपने खुद का जजमेंट लेके सैम्पलिंग कर सकते हो। और अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हो तो ओनली स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग, ओनली स्टेटिस्टिकल, नॉन स्टेटिस्टिकल नहीं चलेगी, हैब्जर्ड नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगी, केवल स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग ही करनी पड़ेगी। एमसीक्यू पॉइंट है, मेरे को लगता है इससे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट आ सकता है। क्या वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई कर सकता है क्या इन्वेस्टिगेटर, ये पॉइंट अपन अभी नीचे क्वेश्चन आएगा उसमें डिसाइड करेंगे। एक्सपर्ट का असिस्टेंस ले सकता है क्या इन्वेस्टिगेटर, एक्सपर्ट का असिस्टेंस ऑडिटर लेता है ऐसे 500 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो एक्सपर्ट की मदद इन्वेस्टिगेटर भी ले सकता है क्या, हाँ भाई जनरली ले सकता है, बट उसको एक बार क्लाइंट से लिखवा के लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि भाई मैं एक्सपर्ट की मदद ले रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैं एक्सपर्ट की मदद ले रहा हूँ, इसकी वैल्यूएशन मैं नहीं कर पा रहा, इस कंपनी की वैल्यूएशन मतलब इस असेट की वैल्यूएशन, उसके लिए मैं एक्सपर्ट एक्चुअरी की मदद ले रहा हूँ, ले सकता हूँ ना, ठीक है ले सकता हूँ। बट एक बार रिटर्न के अंदर पहले ही तय कर लेना कि जो तुम एक्सपर्ट रख रहे हो उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा, उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा, वो बोलेगा तूने रखा साला एक्सपर्ट, तू बियर कर, मैं बोलूंगा भाई कंपनी तो तेरी है, तेरे लिए कर रहा हूँ मैं इन्वेस्टिगेशन, तू कोई तू करेगा, तो वहाँ पर लड़ाई वड़ाई नहीं हो जाए। क्वेश्चन ऑफ सेटल, क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, और एक जनरल कंसर्न लेना क्लाइंट के रिटर्न में। क्या वो फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट बता सकता है क्या, कि इन्वेस्टिगेटर बोलेगा कि फ्यूचर में ये होने वाला है, फ्यूचर किस चीजें सर्टिफाई करके दे रहा है, ऐसे फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट दे सकता है क्या, फ्यूचर के अंदर 1 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है, आप इस कंपनी को परचेस कर लो, वो ना वो नहीं कर सकता, फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट नहीं दे सकता वो, नॉट अलाउड। एक्सपर्ट ले सकता है क्या वो, जो मैंने तुमको पढ़ाया वही चीज है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, रिटर्न जनरल कंसेंट ले लो, जो कॉस्ट का मैटर था वो पहले डिसाइड कर लो, वही चीज है। तो क्या मैं एज एन इन्वेस्टिगेटर एंड जो ऑडिट हो चुके हैं उसके पहले क्लाइंट के अकाउंट्स, ऑडिटेड एनुअल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस पर रिलाई कर सकता हूं क्या? तो मैं अगर सामने वाला बंदा अगर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है,
मतलब किसी और ने ऑडिट करी है, कोई भी हो सकता है ना, जैसे कॉपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकते हैं, ऐसे आउट ऑफ इंडिया की ऑडिट भी कोई दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कराया उसने, तो अगर उसके है, अगर किसी दूसरे बंदे ने ऑडिट करी है तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भाई एक सीए केवल एक सीए पर भरोसा कर सकता है, बाकी सीए किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगा, ऐसे 600 याद कर लो। तो मैं केवल सीए पे भरोसा कर सकता हूँ, अदर देन सीए अगर किसी ने ऑडिट करी है तो मुझे एक एक चीज वापस खुद को वेरीफाई करनी पड़ेगी उस वक्त, ठीक है ना। मेरे को एक मैं उस पर रिलाय नहीं कर सकता, नॉट ऑडिटेड बाय क्वालिफाइड अकाउंटेंट, नेचुरल ड्यूटी है भाई, मुझे एक एक चीज की खुद को चेकिंग करनी पड़ेगी। और अगर वो प्रोफेशन अकाउंटेंट ने बनाई है तो मैं हो सकता है कि उस पर रिलाय कर लू, मैं रिलाय कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं रिलाय कर सकता हूँ अगर किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने बनाया हो तो। पर जो भी हो, मेरे को दिमाग से काम लेना पड़ेगा, मुझे हर बार हर केस के अंदर, चाहे वो अकाउंटेंट प्रोफेशन, चाहे सामने वाला सीए क्यों नहीं हो, तो भी मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि यार बायसनेस तो नहीं है ना, हो सकता है ये वाला सीए इसके घर का था, जान पहचान का था, इसलिए मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे को जो इन्वेस्टिगेटर रखा है वो इन्वेस्टिगेटर इसलिए रखा है क्योंकि उसको उसके ऑडिटर पर शक है, तो उसके बाद में तो ही ना ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बिलाई कर लूंगा। तो वो मेरे को केस टू केस बेसिस पे अपना जजमेंट लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी उसके बाद ही, ठीक है ना। अकाउंट वर्क प्रिपेयर ऑब्जेक्टिविटी एंड नो बायस, ये चेक करना पड़ेगा। हाउ एवर इफ इन्वेस्टिगेटर इज रिक्वेस्टेड टू एस्टेब्लिश वैल्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस की वैल्यू क्या है, शेयर की वैल्यू क्या है, गुडविल कितनी पे करेगा इनकमिंग पार्टनर, इन केसेस के अंदर तो मैं रिलाय कर सकता हूँ ऑडिटेड मटेरियल पे। बिजनेस की वैल्यू क्या है, शेयर की वैल्यू क्या है, गुडविल कितनी पे करेगा इनकमिंग पार्टनर, इन केसेस के अंदर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिलीव कर सकता हूँ, उसके डाटा के हिसाब से चीज़ें कैलकुलेट कर सकता हूँ। अनटिल एंड अनलेस मुझे कोई ऐसी चीज नहीं पता पड़े कि मुझे पता लग रहा है कि पता पड़ा करते हुए इन्वेस्टिगेशन की, नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, अगर ऐसा पता पड़ा तो मुझे वापस अलग से उसकी ऑडिट भी करनी पड़ेगी खुद को ही। स्पेशल एस्पेक्ट इन कनेक्शन विद द बिजनेस इन्वेस्टिगेशन, अब मैं बिजनेस इन्वेस्टिगेशन कैसे करूंगा स्पेशल एस्पेक्ट, सबसे पहले ओवरऑल पिक्चर देखूंगा मैं, कंपनी कैसी है, क्या क्या चीजें है कंपनी के अंदर, फालतू फालतू चीजें, पी एंड एल कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, दो सकते ओवरऑल पिक्चर से निकलूंगा मैं, सबसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ तो नॉर्मल एस्पेक्ट में नॉर्मली कैसे इन्वेस्टिगेशन करूंगा, पहले तो मैं ओवरऑल पिक्चर देखूंगा कि कंपनी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, कंपनी के ओवरऑल कंपनी ओवरव्यू देखूंगा, पहले तो नॉर्मल हो गया, पी एंड एल देखूंगा, बैलेंस शीट देखूंगा और कुछ स्पेसिफिक चीजें भी देखूंगा टर्न ओवर रिलेटेड, पी एंड एल देखूंगा, बैलेंस शीट देखूंगा, उसको कुछ स्पेसिफिक चीजें भी देखूंगा टर्न ओवर रिलेटेड। पी एंड एल के अंदर मैं क्या देखूंगा यार, नॉर्मल चीजें पी एंड एल के अंदर, पी एंड एल का आइटम देखूंगा, पी एंड एल का आइटम के अंदर एक तो इनकम साइड होगा, इनकम साइड के अंदर क्या आएगा टर्न ओवर आएगा, एक्सपेंस साइड के अंदर मैनेजरल की रिमुनेशन भी आएगी और वेजेस भी आएगी, मैनेजर रिमुनेशन मतलब बड़े लोगों को सैलरी, वेजेस मतलब छोटे लोगों को सैलरी है, दिहाड़ी मजदूर अपन जैसे, ठीक है ना। तो एक तो क्या टर्न ओवर देखूंगा मैं, एक तो क्रेडिट साइड में पी एंडल के, डेबिट साइड के अंदर मैं देखूंगा मैनेजर को कितनी रिमुनेशन दी, वेजेस कितनी दी लेबर को, दोनों पॉइंट किसके रिलेटेड हो गए, वेजेस से सैलरी रिलेटेड हो गए। उसके बाद में देखूंगा मशीन पे कितना रिपेयर मेंटेनेंस लगा और कितना डेप्रिसिएशन लगा, दोनों एक मशीन के रिलेटेड पॉइंट हो गए, रिपेयर मेंटेनेंस कितना लगा, डेप्रिसिएशन कितना लगा, और एक्सेप्शनल आइटम देखूंगा पी एंडल में। क्या चीज देखूंगा मैं पी एंडल में, एक तो उसकी सबसे पहले क्रेडिट साइड में टर्नओवर देखूंगा, 5 से 7 साल की समरी लूंगा मैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉलम में, कि मेरे को समरी बना के दे इन्वेस्टिगेशन के अंदर, मैं ये बनाऊंगा 5 से 7 साल की समरी, टर्नओवर क्या है, मैनेजर रिमुनेशन वेजेस एक तरह का पॉइंट हो गया, डेप्रिसिएशन रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो मैंने कहा था तुमको प्लांट एंड मशीनरी पे दोनों लगते हैं, और ये वेजेस और सैलरी एक जैसी हो गई, ठीक है ना। मैनेजर रिमुनेशन कि एक्सेसिव तो पे नहीं करी, टर्नओवर में चेक करूंगा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट की सेल्स, उसको देखूंगा कि किस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हो रही है किसकी कम हो रही है, वेजेस की रेट एग्जामिन करूंगा, डेप्रिसिएशन देखूंगा कंसिस्टेंट बेसिस पे, रिपेयर मेंटेनेंस देखूंगा, एक्सेप्शनल आइटम देखूंगा कि एक्सेप्शन मेरा आइटम को एडजस्ट करना नहीं करना, मतलब एक्सेप्शनल आइटम कोई भी एक्सेप्शनल आइटम है, तुम किसी बिजनेस की वैल्यू निकालते हो, गुडविल निकालते हो, तुमको पता होगा ना एक्सेप्शनल आइटम को पहले हटाते हैं अपन उधर से, पहले उधर से हटाते, नॉर्मल पी एंड एल बनाते हैं उसका एक्सेप्शनल आइटम हटाए में, कि इस साल तो भाई 1 लाख का गलती से गेन हो गया, हर साल तो ही ना होने वाला है गेन, उसको हटाओ उसके बाद कैलकुलेशन करो, वही एक्सेप्शनल आइटम है। बैलेंस शीट देखूंगा, बैलेंस शीट में भी वही चीजें, फिक्स असेट, करंट असेट, इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी में फिक्स लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी क्या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये सब कंटिजेंट लायबिलिटी, ये सब चीजें होगी, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, अदर करंट लिक्विड एसेट, ये सारी तरह के अलग अलग तरह के एसेट, फिर लायबिलिटी, टैक्सेशन, कैपिटल, ये चीजें मैं एनालाइज करूंगा। फिक्स एसेट की लाइफ कितनी है, वैल्यूज जितनी उसके रियलाइज होने वाली है, वैल्यू उससे ज्यादा तो मैंने उसको नहीं मेंटेन कर रखा, वरना इंडेक्स 36 के हिसाब से इंपेयरमेंट लगाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट देखूंगा कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से, इन्वेंट्री देखूंगा एब्सोल्यूट वगैरह तो नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल बैड डेट तो नहीं है, ये सब चीजें नॉर्मल चीजें, ये तुमको याद हो, ये मैंने तुमको जैसे ऊपर याद कराया था ना अभी, वैसी चीजें, लायबिलिटी, टैक्सेशन, फिक्स असेट, ये सारे असेट रिलेटेड पॉइंट हो गए, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, अदर लिक्विड असेट, ये सब तुमको याद होंगे ही होंगे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लायबिलिटी, टैक्सेशन, कैपिटल, ठीक है ना, ये तीनों तरह की लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी कैपिटल और टैक्सेशन भी लायबिलिटी, ये सब चीजें मैं चेक करूंगा। ओके, क्या ओवरव्यू चेक करा, पी एंड एल चेक करा, बैलेंस शीट चेक करा मैंने, उसके बाद अब मेरे को इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर करने हैं,
फ्यूचर में मेंटेन होगा नहीं होगा ये टर्नओवर, टर्नओवर जो अभी हो रहा है वो फ्यूचर में मेंटेन होगा नहीं होगा, फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर तुमने थोड़ा होगा, तुमने गुडविल निकालते होगे, एफएमटी निकालते होंगे तुम, फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर, एफएमटी निकालते हो गुडविल निकालते वक्त, फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर कैसे देखोगे कि फ्यूचर के अंदर कितना टर्नओवर होने वाला है? मैं उसके लिए देखूंगा एमसीपीटी, क्या देखूंगा मैं फ्यूचर में कितना टर्नओवर उसके लिए, एमसीपीटी क्या देखूंगा भाई, एमसीपीटी क्या देखूंगा, एमसीपीटी क्या देखूंगा, एमसीपीटी क्या देखूंगा, एमसीपीटी क्या देखना है भाई, एमसीपीटी, एमसीपीटी की फ्यूचर के जो अंदर जो प्रोडक्ट बेचे उसकी मार्केटेबिलिटी कितनी है, मार्केटेबिलिटी मतलब उसका फ्यूचर के अंदर मार्केट बढ़ने वाला है क्या, मैं अपने कस्टमर बेस बढ़ा सकता हूँ क्या, लोकेशन और एक्सपेंड कर सकता हूँ क्या, अगर असली में है तो मेरा फ्यूचर मेंटेनर टर्नओवर मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा एस्टिमेशन के हिसाब से, ठीक है। मार्केटेबिलिटी क्या, एमसीसी से कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन कम होगा फ्यूचर में ज्यादा होगा उस हिसाब से मेरी सेल होगी, सीधी बातें। पी से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशन मुझे देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल जो भी गाइडलाइन आने वाली है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आने वाली है, मेरे जो इंडस्ट्री है उसके लिए फेवर में होने वाला है वो पॉलिटिकल पार्टी आना या नहीं होने वाला, या जो भी इकोनॉमिक कंडीशन होने वाली है फ्यूचर के अंदर, अगर फेवर में है तो मेरा टर्नओवर बढ़ेगा वरना कम होगा, सीधी बात है। टी से ट्रेंड, ट्रेंड देखूंगा मैं, ट्रेंड एनालिसिस करती है ना तुम शेयर्स वगैरह कभी करते होंगे कि इस टाइम पे बढ़ता है, इस टाइम पे कम होता है, अगले साल सर्दी ज्यादा पड़ने वाली है, अगले साल गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है, उस सब मेरा प्रोडक्ट देखूंगा कि गर्मी के टाइम पे मेरा ट्रेंड ज्यादा होता है, सर्दी के टाइम पे प्रोडक्ट कम होता है बिकता है, उस सबसे ट्रेंड एनालिसिस करूंगा मैं, ठीक है ना। तो एमसीपीटी, एम से मार्केटेबिलिटी, सी से कॉम्पिटिशन, पी से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, टी से ट्रेंड एनालिसिस, तो मैं फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर में एमसीपीटी चेक करूंगा। डन। टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के टाइप दो तरह के होते हैं, मैंने बताया था, स्टैच्यूटरी भी हो सकती है, नॉन स्टैच्यूटरी भी हो सकती है। स्टैच्यूटरी में अपने कोर्स के अंदर जो दी हुई है, नॉन स्टैच्यूटरी में अपने कोर्स में दी हुई है वो है, कोई भी इनकमिंग पार्टनर आएगा तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगा कि मैं कोई पार्टनर बन रहा हूँ किसी फर्म के अंदर, इन्वेस्टिगेशन करूंगा फर्म तो अच्छी है ना, फर्म अच्छी है नहीं है वो चीज़ें करूंगा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी की वैल्यूएशन करूंगा शेयर्स की, कोई भी लोन दे रहा है कंपनी को बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, फ्रॉड निकालने के लिए इन्वेस्टिगेशन आएगा, प्रपोजल टू बाय बिजनेस, बिजनेस बाय करने के लिए, फॉर फोरकास्ट वगैरह इन्वेस्टिग रिव्यू करने के लिए, फ्यूचर में जो फोरकास्ट वगैरह होने वाले हैं वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और स्टैच्यूटरी ये सारे कंपनी सेक्ट के अंदर, सारे कंपनी सेक्ट के अंदर, पर कंपनी सेक्ट का अंदर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे या नहीं पूछती, यहाँ पे भी भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा भाई इन्होंने, हालांकि न्यू कोर्स के अंदर एक भी बार नहीं पूछा, एमसीक्यू तो पूछे न्यू कोर्स में इससे, पर न्यू कोर्स के अंदर इसका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नहीं पूछा जो इसका, पर मेरे को लगता है ऐसा भरोसा नहीं है आईसीए का, कभी पूछ सकती है, ठीक है ना। तो ओल्ड कोर्स में आया हुआ तो इंपॉर्टेंट है ही, बहुत बार आया ओल्ड कोर्स में, इन्वेस्टिगेशन टू ऑनरशिप ऐसे 216, अफेयर ऑफ द कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट 210, एसएफआई और अदर केसेस, ये तुमको पता होंगे ना, इसमें ज्यादा डिटेल में ये तो डिस्कस नहीं करूंगा, स्टैच्यूटरी वाला तुम मेरे से अच्छे से पढ़ सकते हो ये वाले लोग के अंदर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन टू अफेयर कंपनी ऐसे 210 बोलता है, सॉरी ऐसे ही 200 क्या, क्या सेक्शन 210 बोलता है कंपनीज एक्ट का, कि अगर सीजी ओपिनियन में हुआ तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देगा, कब ऑर्डर करेगा, जब उसके पास रिपोर्ट आ जाए, जब इंस्पेक्टर या रजिस्ट्रार उसको रिपोर्ट दे दे, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन को सामने कंपनी पास कर दे तो उसको इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना पड़ेगा, ऐसे 210 ये बोलता है। ऐसे 212 भी सेम बोलता है, बट वो सीरियस फ्रॉड होते हैं तो एसएफआई जो होते हैं सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनको बोल देता है कि तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन करो क्योंकि ये फ्रॉड है, बाकी सेम ये 3 पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट और एडिशनल जोड़ दो, 3 पॉइंट तो सेम के सेम है और एक चौथा पॉइंट जोड़ दो, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सीजी और एसजी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कोई डिपार्टमेंट भी रिक्वेस्ट करेंगे तो भी सीजी ऑर्डर सकता है। ट्रिब्यूनल यहाँ पे बोल सकता है, ट्रिब्यूनल में ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के लिए आता है लॉ में भी ऑडिट में भी, कि ट्रिब्यूनल में जरूरी नहीं है, ट्रिब्यूनल में ऑर्डर जब स्पेसिफाइड नंबर जो आप पे डिवोट हुए हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा वो स्पेसिफाइड नंबर कितने हैं, तुम्हारे लॉ के अंदर होंगे पढ़ लेना, ऑडिट की बुक में नहीं दे रखे अपने, 1/10 ऑफ नंबर ऑफ शेयर या फिर वो वाला जो लिमिट होती है वो वाली, तो वो जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर है वो स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ नंबर ने या फिर कोई दूसरे पर्सन ने शिकायत करी है कि बिजनेस डिफ्रॉड करने के लिए चल रहा है, लॉ एंड रेगुलेशन कंप्लाई नहीं कर रहा है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहा है, तो ट्रिब्यूनल में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, में नॉट मस्ट, में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वहां पे भी तुमने पढ़ा होगा लो के अंदर कि इंस्पेक्टर कौन बन सकता है, इंस्पेक्टर केवल इंडिविजुअल बन सकता है। अब तुमको वो एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए बोल देगा कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को अपन ने इन्वेस्टिगेटर बनाया है, अपन ने एक्स वाई जेड एन को एलएलपी को, एलएलपी को इन्वेस्टिगेशन बन इन्वेस्टिगेटर बनाया है, सही है क्या? नहीं भाई गलत है, ओनली इंडिविजुअल ही इन्वेस्टिगेटर बन सकता है, ओके इंडिविजुअल ही इन्वेस्टिगेटर बन सकता है। जनरल अप्रोच क्या होगी इन्वेस्टिगेशन अंडर 210 और 213 करने की, अगर मेरे करनी है तो जनरल अप्रोच क्या होगी इन्वेस्टिगेशन करने की, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस वाला डीएसपी करता है, याद करो डीएसपी, ठीक है ना, डीएसपी पुलिस में डीएसपी होता है ना, डीएसपी तो पुलिस में डीएसपी इन्वेस्टिगेशन करता है, और अब तुम समझो डीएसपी पर ही इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी ने कोई फ्रॉड वगैरह करा होगा, डीएसपी ने
रिश्वत वगैरह ली होगी, घूस फूस ली होगी, तो डीएसपी पर ही इन्वेस्टिगेशन बैठ गई, डीएसपी पर ही इन्वेस्टिगेशन बैठ गई, डीएसपी पर ही इन्वेस्टिगेशन बैठ गई। किस पे बैठ गई इन्वेस्टिगेशन? डीएसपी पर ही इन्वेस्टिगेशन बैठ गई, डीएसपी पर ही इन्वेस्टिगेशन बैठ गई। किस पे? डीएसपी पर ही इन्वेस्टिगेशन बैठ गई। डीएसपी मतलब यहाँ पे टीएसपी, डी से टी लगा दो ना, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो तुम भी समझो यार, भावना समझो। टीएसपी पर, डीएसपी और टीएसपी पर इन्वेस्टिगेशन बैठ गई। तो जनरल स्टेप्स और अप्रोच क्या होती है एज एन इन्वेस्टिगेटर? मैं अगर 210 के अंदर इन्वेस्टिगेशन करूंगा तो डीएसपी पर, टीएसपी पर ही इन्वेस्टिगेशन बैठ गई, डीएसपी टीएसपी, ठीक है ना। टीएसपी, टी से सबसे पहले अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा, सबसे मेरे टर्म्स और रेफरेंस होंगे, टर्म्स और रेफरेंस, जो मेरे को टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट मिला होगा ना, किसी मेरे पे इन्वेस्टिगेशन वाला इन्वेस्टिगेटर बनाया है मुझे, सबसे मेरे टर्म्स वो टर्म्स का एंगेजमेंट लेटर बनता है, ऐसे ऐसे 210 के अंदर ऑडिट का बनता है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इसका भी बनेगा। तो मैं सबसे पहले मेरे जो टर्म्स होगी वो उसको पढ़ूंगा, कोई भी मुझे कोई भी लगेगा डाउट वगैरह तो मैं क्लैरिफाई वगैरह करूंगा कि इस टर्म्स के अंदर ये लिखा है, मुझे ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो सारी चीजें, मेरे ये स्कोप वगैरह है। तो टी एस एस से स्कोप क्या होगा इन्वेस्टिगेशन का? क्या मुझे ये चीजें भी रिव्यू करनी पड़ेगी? क्या मुझे असेट रिव्यू करनी है, लाइबिलिटी भी रिव्यू करनी है? क्या मुझे यही चीज केवल कंप्यूटराइज फॉर्मेट ही रिव्यू करने है, या फिर मैनुअल वाले भी जो इंटरनल कंट्रोल है वो भी रिव्यू करने है? सारी चीज स्कोप में पता करूंगा। टीएसपी, पी से पीरियड चेक करूंगा, इन्वेस्टिगेशन का पीरियड क्या है, मुझे कहां तक के डाटा रिव्यू करने है, मेरे को 6 महीने प्लान लेने हैं, 1 साल प्लान लेने हैं, 5 साल प्लान लेने हैं, कंपनी जब से बनी है जब से वाले डाटा भी रिव्यू करने हैं। टीएसपी पर, पी से आप मुझे प्रोग्राम बनाना है, मेरा प्रोग्राम बनाऊंगा कि मेरे को प्लानिंग और प्रोग्राम भी तो बनाना पड़ेगा ना, ऐसे मुंह उठा के वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने तो नहीं जा सकता, पहले मुझे किस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्या चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है, उस हिसाब से मुझे मेरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ई, एक्सपर्ट की मदद की जरूरत होगी क्या मुझे? क्या कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बस की नहीं है, मुझे दूसरे बंदे की जरूरत पड़ेगी क्या यहाँ पे एक्सपर्ट की, किसी उसको मुझे रखना पड़ेगा क्या? आर से फाइनली रिपोर्ट इशू कर दूंगा, आर से फाइनली रिपोर्ट इशू कर दूंगा। तो ठीक है, किस पे? टीएसपी पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, किस पे हुआ भाई इन्वेस्टिगेशन? टीएसपी पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, किस पे हुआ भाई? टीएसपी पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, किस पे हुआ? टीएसपी पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, किस पे हुआ? टीएसपी पर। टीएसपी, टी से टर्म्स ऑफ रेफरेंस, एस से स्कोप, पी से पीरियड, टीएसपी, पी से प्रोग्राम, ई से एक्सपर्ट, आर से रिपोर्ट इशू करना है, ठीक है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, स्कोप, पीरियड, प्रोग्राम, एक्सपर्ट और रिपोर्ट फाइनली इशू करना, अंदर के मीटिंग में समझा सकूं तुमको साथ साथ में, ओके। चलो नीचे नीचे नीचे, नीचे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ कंपनी, ये भी तुमने बचपन में पढ़ रखा है, बचपन में मतलब अभी पढ़ा हुआ है तुमने, सेक्शन 216 तुमको मेरे से अच्छे से आता होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है किसी भी एक या एक से ज्यादा इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, किस लिए इंस्पेक्ट कर सकती है? कि ऑनरशिप कौन है, असली रियल ओनर कौन है वो पता लगाने के लिए, ट्रू पर्सन कौन है जो कंपनी में फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, रियल ओनर कौन है कंपनी का, कौन सिग्निफिकेंटली और कंट्रोल कर रहा है कंपनी को फाइनेंशियली, कौन असली में इंटरेस्टेड है, कौन कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, किसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट ज्यादा है कंपनी के अंदर, ये चीज पता करने के लिए। लोग के अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा मैं दोबारा, पर ये क्वेश्चन ऑल पर्स में आया भाई, ऑल ये वाला। स्कोप क्या होता है इसे सेक्शन 216 की ऑडिट का, जब अपन को रिलेटेड पार्टी की ऑडिट करनी है तो स्कोप क्या होगा? स्कोप वो ही होगा जो आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में सीजी ने बताया होगा या फिर जिसने भी बताया हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफाइन द स्कोप ऑफ मैटर, क्या क्या चीज आपको स्कोप में करनी है, लाइक आपको पता करना है कि थ्री ओनर कौन है, तो थ्री ओनर के अंदर आपको केवल शेयर्स के बारे में जानना है, थ्री ओनर कौन है, डिबेंचर का थ्री ओनर भी जानना है, वही चीज है कि थ्री ओनर किसका है, शेयर का जानना है या मेरे को किसका जानना है, किसके बारे में आपको ऑडिट का क्या स्कोप रखना है, मुझे क्या क्या इस चीज में इन्वेस्टिगेशन करना हो रिलेटेड पार्टी वाली, तो मेरे को क्या क्या चीजें चेक करनी है, मुझे देखना है जो जो सब्सिडरी से मेरे ट्रांजेक्शन हुए, रिलेटेड पार्टी है ना वो भी तो सब्सिडरी मेरी, तो रिलेटेड पार्टी मतलब कौन कंपनी में असली इंटरेस्टेड है, रिलेटेड पार्टी हो सकता है इंटरेस्टेड हो, बैक कंपनी से मेरे को देखना पड़ेगा, रिलेटेड पार्टी सब्सिडरी से जो जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो सारी डिटेल में देखनी पड़ेगी, या फिर अगर कोई दूसरी कंपनी में जिसमें मेरा डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन हुई है वो मुझे डीपली एनालाइज करनी पड़ेगी। कंपनी हैविंग अ सब्सिडरी विच वन मोर डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड और डीलिंग इन कंसर्न, उन सबकी मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। ऑल सेल एंड परचेज फ्रॉम अ डायरेक्टर एंड देयर एसोसिएट कंसर्न, वो भी इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कोई भी डायरेक्टर हो या कोई भी हो जिसने अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी थी पर उसने ड्यूटी ब्रीच कर दी, वो ड्यूटी उसने फुलफिल नहीं करी, नेग्लिजेंस कर दी, तो वो मटेरियल तभी माना जाएगा जब कंपनी को लॉस होगा। कंपनी को लॉस नहीं हुआ तो वो फाड़ में जाते, कोई ड्यूटी ब्रीच करनी है कुछ भी करनी है फाड़ में जाते, सो जा जाए कंपनी के टाइम पे, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर कंपनी को लॉस नहीं हो रहा तो। नेग्लिजेंस कल्पेबल, नेग्लिजेंस कल्पेबल मतलब, कल्पेबल मतलब समझते ना, उसको सजा देना, उसको पनिशमेंट का हकदार कब होगा, वो पनिशेबल कब होगी, जब कोई ड्यूटी कास्ट करी हो आर्टिकल ने या एक्ट ने, कोई आर्टिकल ऑफ एओए एक्ट या फिर बोर्ड रिजोल्यूशन या फिर एक्ट ने कोई ड्यूटी बोली है कि शेयर होल्डर या डायरेक्टर के को ये ड्यूटी फुलफिल करनी पड़ेगी, और वो ड्यूटी इन लोगों ने स्पेसिफाई कर रखी है आर्टिकल, एक्ट, बोर्ड रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन से, पर फिर भी वो डायरेक्टर उसको नहीं कर रहा, मान रहा है उस ड्यूटी को, नेग्लिजेंस कर रहा है, तो वो कल्पेबल हो जाएगी।
अब आए बात, अब असली गेम आएगा, नॉन स्टेच्यूटरी इन्वेस्टिगेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आई थिंक क्वेश्चन आते रहते हैं इसके एग्जाम में। कोई भी इनकमिंग पार्टनर है तो बेसिस, अगर आप किसी फर्म के अंदर ऑडिट, आप पार्टनर बनने जा रहे हो सीए फर्म या कोई भी फर्म के अंदर आप पार्टनर बनने जा रहे हो, तो आपको भी उस फर्म की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि भाई ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि ये मेरे जैसे इंसान को पार्टनर बना रहे हैं। समझ रहे हो ना, ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो मेरे जैसे पार्टनर को इन्वेस्ट करा रहे हैं। मेरे को ना तो कुछ आता जाता है, ऐसा वाला मेरे लिए बोल रहा हूँ कि ना तो मेरे को कुछ आता जाता है। अब ये इनकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई, रीजन क्या है कि ये मेरे को पार्टनर बना रहे। रीजन तो चलो ठीक है, ये मेरे को पार्टनर बना रहे, रीजन तो बढ़ गया, पर इनकी हैसियत है मुझे पार्टनर बनाने की, क्या इनकी हैसियत है इनकी मुझे पार्टनर बनाने की। अब मैं सबसे पहले दूंगा कि उनकी देखूंगा कि पार्टनरशिप की कंपनी की, पार्टनरशिप फर्म कितनी पुरानी है, क्या हिस्ट्री है, क्या ग्रोथ है, कैसी फर्म है। पार्टनरशिप फर्म का पता तो करना पड़ेगा, उनकी टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा है। मैं ऐसे हर किसी फर्म के अंदर तो ना पार्टनरशिप करने चले जाऊंगा, ये सब चीजें मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, मुझे देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म की कोई पुरानी लाइबिलिटीज तो नहीं जो मेरे माथे पे चिपक जाए। लाइबिलिटीज कितनी है, असेट्स कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, नेटवर्थ कितनी है, कोई ऑब्लिगेशन तो ज्यादा नहीं है, ये सब चीजें मुझे देखनी पड़ेगी। और मुझे देखना पड़ेगा उसका स्टाफ कैसा है, उसके पास ऑर्डर्स कितने हैं, मतलब क्लाइंट वगैरह कितने हैं, और मेरे पार्टनर बनने के बाद भी क्लाइंट वगैरह रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। एमसीक्यू पर्पस के लिए सारे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, ध्यान रखना इसके एमसीक्यू पर्पस के लिए एक एक पॉइंट तुमको ध्यान से पढ़ना है। वाई दे आर इन्वाइटिंग माई पार्टनर, बोले क्या हंसते हुए, कोई तुमको पार्टनरशिप ऑफर देगा है, हंसते हुए मेरे को पार्टनर बनाएगा पागल आदमी। रीजन फॉर ऑर्डर ऑफ एडमिशन, रीजन क्या, ऐसी क्या मजबूरी आ गई रीजन की जो मेरे को पार्टनरशिप बना रहा है। उनकी उनकी भी हैसियत है क्या मेरे को पार्टनर बनाएंगे, मतलब एक्चुअली बना तो सकते हैं ना, उनकी जो पार्टनरशिप डीड है, उनकी पार्टनरशिप डीड में नया पार्टनर का एडमिशन तो अलाउ है ना, वो मुझे पार्टनर बनाएंगे इसका क्या रीजन है, और मुझे बना तो सकते हैं ना, उनकी हैसियत तो है ना, मतलब उनकी डीड में लिखा हुआ तो नहीं है सब। और मैं देखूंगा पार्टनरशिप फॉर्म का की उसकी हिस्ट्री ग्रोथ वगैरह क्या, उनकी पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ, पार्टनरशिप में क्या लिखा हुआ था, तुमने पढ़ा हुआ है ना कभी प्रोविजन के, कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट करनी है, ड्रॉइंग का राइट किसको क्या है, रिटायरमेंट में बेनिफिट क्या है, जॉब एलोकेशन क्या है, गुडविल क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सब चीजें पार्टनरशिप डीड में जो लिखी हुई होती है, ठीक है ना। अब मैं देखूंगा बैलेंस शीट पी एंड एल आइटम ऑफ फर्म, जो मैंने बोला था प्रॉफिटेबिलिटी, लीगल ऑब्लिगेशन, असेट, नेटवर्थ, रेट ऑफ रिटर्न वगैरह, ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल बैलेंस शीट पी एंड एल आइटम है, ये सारे बैलेंस ये ट्रिक है सारी, ऐसे कुछ जमा नहीं रखी तो मैंने जमाया हुए इतने अच्छे अच्छे से, ठीक है ना। तो मैं क्या कहूंगा, रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी, असेट लायबिलिटी की पोजिशन क्या है, लोन कितना है, ये तो प्रॉफिट पी एंड एल का आइटम हो गया, ये असेट मान के चलो, ये लाइबिलिटी मान के चलो, ये कैपिटल मान के चलो, याद कराने के, ठीक है, ये पी एंड एल का प्रॉफिटेबिलिटी, असेट का असेट एंड लाइबिलिटी पोजीशन, ये लाइबिलिटी, ये कैपिटल, लाइबिलिटी लोन एंड फाइनेंस कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल ऑब्लिगेशन, लोन एंड फाइनेंस कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल ऑब्लिगेशन, कैपिटल से रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रेट ऑफ रिटर्न, जो कैपिटल लगा है उस पर रेट ऑफ रिटर्न असली में क्या मिलने वाला है मुझे, ठीक है ना, ये सारी चीजें। इंक्वायर अबाउट क्लाइंट और स्टाफ, क्लाइंट क्वालिटी के एक, सॉरी स्टाफ क्वालिटी के तो है ना, स्टाफ को एक नंबर की गधे तो नहीं है ना, तो फर्म को डुबा देंगे आगे फ्यूचर में। क्लाइंट ऑर्डर इन हैंड कितना है, फ्यूचर में भी इतने ऑर्डर मिलेंगे क्या, ये सारी चीजें। ऑर्डर इन हैंड कितने हैं, मतलब क्लाइंट का डाटा वगैरह कितना है। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, जो मेरी अभी नई नई फर्म बन जाएगी, मेरे आने के बाद रिकंस्टिट्यूट हो जाएगी, उसके अंदर ट्रांसफर होंगे ना वो सारे कॉन्ट्रैक्ट। क्वालिटी ऑफ की पर्सनल एम्प्लॉयड, ये सारी चीजें। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी, वैल्यूएशन कैसे करोगे तुम प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की, भाई तुम बहुत नॉर्मल है, दो तरह के मेथड होंगे अपने को यहाँ पे दे रखे। नेटवर्थ बेटर, नेटवर्थ मतलब समझते हो ना तुम, नेटवर्थ अगर बहुत नॉर्मल जिसमें लोग अंदर डीप में नहीं घुसूंगा, तुमको पढ़ा होगा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, असेट माइनस लायबिलिटी वाला नेटवर्थ मान के चलो तुम एक बार, तो ठीक है ना। तो नेटवर्थ बेसिस पे, नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे, शेयर्स की वैल्यूएशन हो जाएगी। या फिर यील्ड बेसिस, जो तुम एसएफएम के अंदर यील्ड बेसिस भी पढ़ते हो, पढ़ा हुआ है तुमने, ऐसी चीज पढ़ी हुई ना, यील्ड बेसिस पे जो भी फ्यूचर का प्रॉफिट या कैश फ्लो होने वाला है उसको मैं अभी डिस्काउंट करके ले आऊंगा, ठीक है, पढ़ा हुआ है तुमने वो सारे मॉडल वैल्यूएशन मॉडल, तो वो उस बेसिस पे मैं शेयर्स की वैल्यूएशन कर लूंगा। बैंक के भी यहाँ पे तुमको कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्वेश्चन भी है भाई, नेशनल बैंक रिसीव एन एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन, अब वो कैसे कैसे करेगी इसकी इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले तो तेरे को बैंक वाले क्या पूछेंगे, तेरे को लोन क्या चाहिए, तेरी औकात भी है क्या लोन लेने की, तेरे को लोन क्यों चाहिए, तेरी औकात भी है क्या लोन लेने की, और क्या तू ऑथोराइज भी है क्या लोन लेने के लिए, तेरे को लोन क्यों चाहिए, तेरी औकात भी है क्या लोन लेने की, और क्या तेरे को लोन क्यों चाहिए, तेरे को औकात भी है क्या लोन लेने की, और क्या तू ऑथोराइज भी है क्या लोन लेने के लिए। अगर हमने तुझे लोन दे भी दिया तो तू क्या रीपे कर पाएगा क्या, तो तू क्या रीपे कर पाएगा क्या, भाई सीधी बात है ना, एक प्रूडेंस दिमाग में दिमाग बनता है, कोई भी लोन देगा तो ये सही चीज पूछेगा, तेरे को लोन क्यों चाहिए, तेरी हैसियत भी है क्या लोन लेने की, तू ऑथोराइज भी है क्या लोन लेने के लिए, तेरे पापा से पूछ के पहले जाके, ठीक है ना। और उसके बाद तू अगर तेरे को लोन ले भी दिया तो क्या तू उसको रीपे कर पाएगा क्या, नॉर्मल चीज है लोन देने, नॉर्मल नॉर्मल दिमाग रहे। अब तेरी तेरे को लोन क्यों चाहिए, तेरी औकात भी है क्या, पर्पस फॉर विच लोन इज रिक्वायर्ड, तेरी औकात भी है क्या लोन लेने की, औकात में दोनों पॉइंट, क्या तू ऑथोराइज भी है क्या लोन लेने के लिए, पापा से पूछ क्या,
मतलब MOA ने बोला है क्या कि ये डायरेक्टर लोन ले पाएगा, या MOA ने लिखा है कि ये जना लोन ले पाएगा, ऐसा चीजें। देखो लोन क्यों चाहिए, तेरी औकात भी है क्या लोन लेने की? हिस्ट्री और ग्रोथ देखूंगा मैं फर्म की 5 साल की, पिछले 5 साल की MCQ पॉइंट, 5 साल पिछले 5 साल की हिस्ट्री और ग्रोथ, ये औकात देखने के लिए मुझे। फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड रेपुटेशन कितनी है कंपनी की, औकात से पता पड़ेगी। उसकी ग्रोथ वगैरह कितनी है, वो उससे औकात पता पड़ेगी। क्या मैं ऑथोराइज भी हूँ क्या? अगर किसी ने तेरे को लोन दे भी दिया तो क्या तू उसको रीपे कर पाएगा क्या? शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट। अगर तुमने कभी पहले दूसरे बैंक के अंदर लोन की एप्लीकेशन लगाई तो वो रिजेक्ट क्यों हुई, वो रिजेक्ट क्यों हुई, वो सब चीज़ें। ये नॉर्मल एक पहले मैं नॉर्मल मेंशन पॉइंट देखूंगा। उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ें क्या चेक करूंगा, स्पेसिफिक चीज़ें बहुत नॉर्मल है, क्या चीज़ चेक करूंगा मैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियो। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियो। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियो। और इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक सेल्स भी आएगा, इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक सेल्स भी आएगा। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियो। इनकम स्टेटमेंट में एक सेल्स भी आएगा। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियोस। इनकम स्टेटमेंट में एक सेल्स भी आएगा। 5 साल के कंडेंस इनकम स्टेटमेंट में चेक करूंगा, पिछले 5 साल के कंडेंस इनकम स्टेटमेंट, 5 साल के इनकम स्टेटमेंट को कंडेंस करके समरी बना के कि इतना इनकम है, इतनी सेल्स है, इतने एक्सपेंस है, 5 साल के, 5 साल के इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना? ये 5 साल के इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियोस। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियोस। रेशियोस मुझे चेक करने पड़ेंगे, मतलब कंपनी ऑफकोर्स बैंक चेक करेगी, एक तो P&L चेक करेगी 5 साल का। रेशियोस चेक करेगी, करंट असेट, करंट लाइबिलिटी कितना, आइडियल रेशियो 1.33 होता है बैंक के हिसाब से, करंट असेट टू करंट लाइबिलिटी, क्विक असेट टू क्विक लाइबिलिटी, इक्विटी टू डेट। बहुत नॉर्मल वाले रेशियोज जो तुमको दिमाग में आए वो ये, करंट असेट करंट लाइबिलिटी, क्विक असेट क्विक लाइबिलिटी सेम हो गए, इक्विटी टू डेट, सेल्स टू बुक डेट, सेल्स टू इन्वेंट्री, सेल्स टू फिक्स असेट, ये सेल्स सेल्स वाले हो गए। सेल्स टू बुक असेट, सेल्स टू एवरेज इन्वेंट्री, सेल्स टू फिक्स असेट, सेल टू बुक डेट, सेल्स टू एवरेज इन्वेंट्री, सेल्स टू फिक्स असेट, इक्विटी टू फिक्स असेट, नॉर्मल रेशियोज, ठीक है ना? अब एक मैंने बोला था सेल्स के, सेल्स P&L के अंदर सेल्स भी आएगी। सेल्स का ब्रेकअप करके देखूंगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है, इस प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ती जा रही है, इस प्रोडक्ट की सेल्स घटती जा रही है, पूरा ट्रेंड एनालिसिस करूंगा मैं उसका, ठीक है? स्टेप्स इन्वॉल्व इन वेरिफिकेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी इंक्लूडिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर भी क्या क्या चीज चेक करूंगा, बैलेंस शीट के अंदर भाई वापस बता रहा हूँ, बहुत तौर पर बैलेंस शीट की तुमको नॉर्मल आइटम पता है ना, फिक्स असेट, करंट असेट, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी, टैक्सेशन, कैपिटल, ये सारी चीजें, बस वही चीजें मैं चेक करूंगा। फिक्स असेट, करंट असेट के अंदर इन्वेंट्री होगा, ट्रेड रिसीवेबल होगा, इन्वेस्टमेंट हो गया, सिक्योर अनसिक्योर होगा, टैक्सेशन हो गया, अदर लायबिलिटी होगी, कंटिजेंट लायबिलिटी होगी, ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा कि फिक्स असेट के अंदर जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी वही वैल्यू है ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो सही लगाई है ना, इन्वेंट्री कोई भी स्लो मूविंग वगैरह तो नहीं है, अलग अलग तरह की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे कर रखी है, ट्रेड रिसीवेबल का कोई बैड डेब्ट वगैरह तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट सही सही है, मतलब मार्केट वैल्यू लो तो नहीं हो गई, ये सारी चीजें मेरे को चेक करनी पड़ेगी एज ए बैंक अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूँ तो। क्या क्या चीज चेक करूंगा मैं, P&L चेक करूंगा, बैलेंस शीट चेक करूंगा, रेशियो चेक करूंगा, और P&L के अंदर सेल्स भी आएगा, उसको ब्रेकअप भी चेक करूंगा, ठीक है? बाकी ऊपर मैंने जनरल चीजें चेक करी ही थी, देखो लोन क्यों चाहिए, तेरी औकात क्या, ऑथोराइज तो है ना, रीपे तो कर पाएगा ना, वो सारी चीजें करी थी चेक, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आया हुआ है जो अपने ऊपर डिस्कस करा है, पढ़ ही लियो। इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल फर्म प्रपोजिंग टू बाय बिजनेस, बिजनेस प्रोप्राइटरी फर्म, अगर मैं कोई कंपनी की बाय कर रहा हूँ, कोई भी प्रोप्राइटरी फर्म है, किसी को किराने की दुकान मान के चलो, एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारे बाजू में किराने की दुकान है भाई, वो किराने की दुकान भयंकर चलती है भाई, कुछ कुछ किराने की दुकान सही में ऐसी भी होती है, कुछ कुछ का बहुत सी होती है जो एक CA से भी अच्छा कमाती है भाई, होती है ऐसी दुकान। अब तुमको लगा भाई सब छोड़ो CA दिए तो, अब हटाओ CA वाले का काम, कब तक नौकरी करेंगे, कब तक प्रैक्टिस करेंगे, कब तक क्या करेंगे, अपन जो किराने की दुकान बंदा बेचने में है वो शर्मा जी बिल्कुल बूढ़े होते जा रहे हैं, शर्मा जी कुछ दिनों बाद रिटायर हो जाएंगे, गलत सोच रहे हो तुम तो, ठीक है ना, रिटायर हो जाएंगे, शर्मा जी का लड़का भी नहीं है, वो इतने रंगीले मिजाज के थे नहीं, तो अब इस दुकान का क्या होगा, मैं जाके उनको बाय का करने का ऑफर देके आता हूँ कि मैं आपकी दुकान पर खरीदूंगा, आप बोलो कितने में बेचोगे, भाड़ में जाए CA की नौकरी वगैरह, ठीक है? तो अब तुम गए वो किराने की दुकान खरीदने, उन्होंने बोल दिया कि मैं 50 लाख 1 करोड़ के अंदर मैं बेचूंगा, तुमने कहा कि हाँ ठीक है चलो, मैंने इतनी जॉब करी, मेरे पास इतनी सेविंग हो तो गई, मैं परचेस तो कर लूंगा वो 50 लाख 1 करोड़ के अंदर, पर अब मेरे को देखना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने क्या देखा था कि वो बेच क्यों रहा है, बेचने वाला मेरे को रीजन मिल गया था, बुढ़ा हो गया इसलिए, रीजन तो मेरे को पता है, चलो बेच क्यों रहा है, पर भाई CA हूँ इतनी जल्दी तो नहीं मानूंगा, बुढ़ा हो गया ये तो ठीक है भाई, मुझे बाकी चीज भी चेक करनी पड़ेगी। अभी जो इनके पास दो जनों का स्टाफ है, राधेश्याम घनश्याम, ये राधेश्याम घनश्याम बड़े शर्मा जी के बड़े क्लोज है यार, ये लोग इनके लिए तो बहुत वफादार थे, जैसे जेठालाल के लिए नट्टू काका और बावरा है, बावरा क्या नाम है उसका, बागा, बागा, ठीक है ना, तो नट्टू काका और बागा, तो वो उनके लिए बहुत रिलायबल है। अगर जेठालाल वो दुकान बेच के चले जाए तो क्या दूसरा बंदे को, दूसरा बंदा आ जाए वापस दुकान खरीदने, तो जो वो बागा भाई है और जो नट्टू लाल है
वो नटवर लाल प्रसाद लाल, उदय उदय वाला शंकर लाला, क्या था उदय लाला, उदय वाला शंकर लाल, उदय वाला, तो वो क्या उसको जो नया बंदा है उसको सपोर्ट करेंगे कि उसके स्टाफ, अभी के जो करंट स्टाफ करंट मालिक को सपोर्ट करे, करंट स्टाफ को भी सपोर्ट करे, करंट नए वाले मालिक को भी सपोर्ट करेगा क्या, वो नए मालिक को पता नहीं सपोर्ट करे, जो उनके परमानेंट ग्राहक है, परमानेंट ग्राहक हो सकता है उन शर्मा जी के जो जेठालाल है उसकी व्यवहार से आ रहे हो, असली में अगर वो जो ग्राहक अब उन जेठालाल चले गया, शर्मा जी चले गए, तो क्या मैं जब खरीदूंगा तो क्या वो उस वक्त भी वो ग्राहक मेरे रहेंगे क्या, पॉसिबल है नहीं रहे, अब वो दूसरी दुकान से माल खरीदना प्रीफर करे क्योंकि वो तो उनके व्यवहार की वजह से खरीद लेते हैं, वो ही सेम चीजें अब भी जो दुकान उनकी थी, दुकान भी उनकी किराए की है, जो लेंथ ऑफ लीज है वो लेंथ ऑफ लीज आगे एक्सटेंड होगी, पता चला है आखिर का 1 साल चल रहा हो, 1 साल तो मैंने मस्त कमा लिया, अगले साल से भाई दुकान ही बंद, लीज रिन्यू नहीं हुई, उनके पास कोई पेटेंट और गुडविल थी किसी एक स्पेसिफिक सामान की, कोई ब्रांड वगैरह की, तो वो क्या पेटेंट गुडविल आगे भी फ्यूचर के अंदर रहेगी क्या, वो पेटेंट गुडविल की वैल्यूएशन में किस हिसाब से करूँ, ये चीजें मैं देखूंगा क्योंकि भाई मैं सीए हूँ, ऐसे ही कोई भी दुकान खरीदने नहीं चले जाऊंगा, रीजन वो भाई दुकान क्यों बेच रहा है, रीजन ऑफ द सेल ऑफ बिजनेस, कस्टमर रिपोर्ट मतलब कस्टमर एंड या पे स्टाफ ले लो तुम चाहो तो, स्टाफ वो कंटिन्यू करेगा क्या उनकी सर्विस, कस्टमर क्या विड्रॉ कर लेंगे क्या उनका सपोर्ट, लीज लेंथ ऑफ लीज एंड पेटेंट रिन्यू करे हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ लीज और पेटेंट, गुडविल की वैल्यूएशन वगैरह कैसे करेंगे, ये सारी चीजें तुमने अगर मैंने कहानी सुनाई शर्मा जी और जेठालाल की, अगर तुमने ध्यान से सुनी तो तुमको सारे पॉइंट याद हो चुके होंगे, नहीं तो वापस 15 सेकंड पीछे करो वीडियो और वापस सुन लो, देन लिमिटेड कंपनी अगर तुम बाय कर रहे हो तो लिमिटेड, ऊपर तो क्या था प्रोप्राइटरी कंपनी, प्रोप्राइटरी कंपनी बाय कर रही थी ये चीज देखूंगा, मैं लिमिटेड कंपनी बाय कर रहा हूँ तो क्या क्या चीज देखूंगा समझो, कभी तुमने शेड्यूल 3 का नोट्स टू अकाउंट बनाया है क्या, या देखा है क्या शेयर कैपिटल का, देखा ही होगा ऑफकोर्स बचपन से बनाते आ रहे 12th क्लास से, क्या क्या प्रेजेंटेशन होती है, ये एक नोट्स टू अकाउंट बनाया मैंने शेयर कैपिटल का, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ ऑथोराइज्ड एंड इश्यूड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज एंड इश्यूड शेयर कैपिटल, राइटिंग पे मत जाना राइटिंग गंदी है कुछ नहीं कर सकते, हाँ ऑथोराइज एंड इश्यूड शेयर कैपिटल 500 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज, 100 शेयर्स एट द रेट 5 रुपीज, माइनस अनकॉल्ड लाइबिलिटी, माइनस अनकॉल्ड लाइबिलिटी मतलब जो अरियर मान के चलो इसको, एक बार ये शेयर बनाया याद आ गया पूरा, बस ये दिमाग में हो गई तुम्हारे बचपन से, वो ही पॉइंट डालो, ऑथोराइज एंड इश्यूड कितना है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर, डिफरेंट क्लासेस ऑफ 500 का शेयर, 100 का शेयर, 10 रुपए का था, 5 रुपए का था, ये डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर, अनकॉल्ड लाइबिलिटी, अनकॉल्ड लाइबिलिटी, प्राइस एट विच शेयर आर इशूड 10 रुपए 5 रुपए प्राइस, ये सारे चारों पॉइंट यहाँ से हो गए, चारों पॉइंट इस नोट्स टू अकाउंट से हो गए, अब पांचवा पॉइंट की डिविडेंड कितना मिलेगा, क्यूमुलेटिव डिविडेंड क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर का, वो सब चीजें वो तुम एक पॉइंट खुद भी याद करो, थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, ठीक है ना, ये डिविडेंड रिलेटेड ये चीजें मैं चेक करूंगा कि क्या है, ये सारी चीजें मैं किसी लिमिटेड कंपनी को बाय करने के लिए, इस ये सारी चीज मेरे वैल्यूएशन इफेक्ट करेगी कंपनी का, ठीक है चलो नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड, ये क्वेश्चंस आए हुए एम्बेजलमेंट इन कैश रिसीप्ट एरियाज ऑफ एम्बेजलमेंट पॉसिबल, ये देर का मैं रेफर दिस मतलब ये नीचे देर के वो रेफर दिस सप्लायर लेजर वगैरह में इन सब में फ्रॉड वगैरह चल रहा है, ठीक है ना, तो अब चलो फ्रॉड, अब मेरे को इन्वेस्टिगेशन करनी है कैश रिसीप्ट के अंदर, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करनी है, इनको बहुत अच्छे से टेबलेट फॉर्मेट में मैंने जमाया, ऐसे ने बहुत कचरा दे रखा था, तारीफ कर देना मेरी, ठीक है ना, ओके अब उसके बाद में वे ऑफ कमिटिंग फ्रॉड, कैश रिसीप्ट में कैसे फ्रॉड हो सकता है और कैसे मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है, मेरे क्या प्रोसेस होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन पे, फ्रॉड कैसे कर सकते हैं कैश रिसीप्ट में, कैश रिसीप्ट समझो भाई, पैसा पैसा आता है, पैसा आने पे तुम फ्रॉड कैसे कर सकते हो, तुमको पैसा छुपाना है, पैसा छुपाना आया, जो हो सकता है एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा हो, पैसा आया है वो जेब में डाल के ले जा रहा है, समझो दो तरह के कैश रिसीप्ट जो आते हैं तुम्हारे माल बेचते हो, तो एक तो हो सकता है डेटर रियलाइज हुआ, तो डेटर रियलाइज की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है ना, डेटर रियलाइज, या फिर तुम्हारी सेल हुई तो कैश या बैंक जो भी है कैश ही मान के चलो इसको, बैंक में आया तो रिपोर्ट पता पड़ी जाएगी सबको, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अब समझो पैसा आया तो मुझे डेबिट क्या करना था, कैश, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ उसको बैड डेब्ट हो गया, पैसा आया डेटर को तो कम करना ही था, डेटर कैसे कम कर रहा हूँ मैं, बैड डेब्ट डेबिट कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल हुई मैं यहाँ पे क्रेडिट सेल बता रहा हूँ मतलब डेटर खड़ा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि उसने माल रिटर्न कर दिया, सेल रिटर्न कर दिया उसको डेबिट कर रहा हूँ, कैश डिस्काउंट बता रहा हूँ, डिस्काउंट भी बता सकता हूँ मैं, आपको डिस्काउंट को डेबिट कर रहा हूँ,
डेटर को तो क्रेडिट कराया हर से हर बार में डेटर और सेल्स पर, यहाँ पे मैं डिस्काउंट डेबिट कर दिया, मैंने बोल दिया कि गुड्स रिटर्न हुआ, असली में तो पैसा है, उसके आगे मैंने डेबिट क्या कर दिया, डिस्काउंट डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया, क्रेडिट सेल बता दिया था यहाँ पे, डेटर बता दिया था मैंने, बैड डेट बता दिया था मैंने यहाँ पे, तो मैंने क्रेडिट तो कर दिया डेटर पर, असली अंदर पैसे की जगह मैंने बाकी दूसरी चीजें डेबिट कर दी, ये चीजें मैं डेबिट कर सकता हूँ, पैसा आता है जब भी मतलब मैनिपुलेट करने के लिए अकाउंट, कैश डिस्काउंट, गुड्स रिटर्न कर दिया, क्रेडिट में सेल करी, बैड डेट कर दिया कि मालिक को पता ही नहीं पड़ेगा असली में पैसा रिसीव भी हुआ है, ऐसी बदमाशी कर दी मैंने, ये हो गया। अब मिस अप्रोप्रिएशन हो गया, पैसा आया मिस अप्रोप्रिएट कर दिया एम्प्लॉय ने, लेके कहीं पे खाने पीने में उड़ा दिया, और असली के अंदर ज्यादा पैसा आया था, पर मैंने पार्टी पैसा दिखाया कि 500 रुपये आया, पर मैंने दिखाया 250 रुपये, या 250 रुपये की एंट्री करी, अंडर कास्टिंग ऑफ रिपीट साइड रिसीट साइड, रिसीट साइड की अंडर कास्टिंग करिए, मतलब लो टोटलिंग करिए, वो करा, अब ये तो करा है, अब ये चीजें होगी वे कैसे फ्रॉम फ्रॉड कर सकते हैं, याद हो गया ये वाला, तो ये दो एंट्री वाले की चीज देख लेना कि डेबिट किसको कर सकते हैं, याद हो गया होगा। अब इसकी तुमको इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी, मुझे देखना है सबसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोर्स क्या है आपके पैसा आने के, मुझे क्या देखना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोर्स क्या है आपके पैसा आने के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोर्स क्या है आपके पैसा आने के, जो भी सोर्स है आपके पैसा आने के सोर्स क्या होंगे, मैंने आपको दो दो सोर्स बताया, अभी भी तुमको दो सोर्स बताया दो एंट्री डाल के, एक तो जो मैंने सेल करी है कैश सेल वगैरह करी है, कैश सेल हो गया तो आपका, और एक और मैंने आपको क्या बताया रिकवरी हुआ डेटर का रिकवरी हुआ, दो चीज बताई थी तुमको मैंने, एक तो कैश सेल और एक रिकवरी ऑफ डेटर, कैश सेल रिकवरी ऑफ डेटर, तो किसके कितने तरह के अलग अलग तरह के डिफरेंट सोर्स से मेरे पास पैसा आने के, कैश सेल और रिकवरी ऑफ डेटर, अब ये जो भी पैसा आएगा उसको या तो मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा, और बात डिपॉजिट में विड्रॉ भी करूंगा, तो अगर किसी ने अंडर कास्टिंग करी है पैसा छुपाया हो तो मैं बोलूंगा कि भाई जब इतना पैसा तो आया ही नहीं था तो बैंक में डाला कैसे, बैंक में आया कैसे इतना पैसा, तेरे पास कैश में आया नहीं था तो बैंक में डाला कैसे इतना पैसा, इतना पैसा तेरे पास आया ही नहीं था तो तूने निकाला कैसे इतना पैसा, कैश वापस में पकड़ लूंगा ना उसको, बैंक में डाला आएगा निकालेगा डालेगा तो बैंक से पैसा डालूंगा, कितने अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह के सोर्स से इनकम की वो मैं स्क्रूटनाइज करूंगा, कितने तरह के सोर्स है, एक तो कैश सेल और एक रिकवरी फ्रॉम डेटर, ये जो मैंने तुमको तीनों पॉइंट बताया ये यहाँ से याद हो गए, वो पे इन स्लिप ऑफ बैंक, जो बैंक के अंदर पैसा डाला या फिर विड्रॉ करा उसको पासबुक से चेक करूंगा मैं, और अलग अलग तरह के उनको जो भी कार्बन कॉपी होगी रिसीट की उसको मैं डुप्लीकेट कॉपी चेक करूंगा, स्क्रूटनाइज करूंगा, नॉर्मल चीजें क्या चेक करना है याद करने के लिए, जो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के सोर्स है इनकम के, कैश रिसीव, रिकवरी फ्रॉम डेटर, बैंक में कितना पैसा डाला और बैंक से कितना विड्रॉ करा, और जो भी रिसीट की डुप्लीकेट नोटबुक थी, डुप्लीकेट नोट थी वो मैं स्क्रूटनाइज करूंगा। चलो इन्फ्लेट कैश पेमेंट, कैश पेमेंट इन्फ्लेट कर दिया मैंने, पेमेंट इन्फ्लेट कैसे करूंगा मैं, पेमेंट ज्यादा कर दिया मैंने, हो सकता है कि सामने से माल खरीदा मैंने वो मेरा रिश्तेदार हो एम्प्लॉय का, तो मैं जबरदस्ती उसको ज्यादा पैसा दिला रहा हूँ, डबल दो बार इनवॉइस का पेमेंट कर रहा हूँ, फिक्टिशियस इनवॉइस का पेमेंट कर रहा हूँ, माल से जितना असली के अंदर पैसा था उससे जितने का अमाउंट था उससे ज्यादा पेमेंट कर रहा हूँ, हो सकता है सप्लायर ने या तो वो विड्रो पैसा अभी तक क्लेम करा ही नहीं हो, बहुत साल हो गए 10 साल हो गए, मेरे को लग रहा है सप्लायर तो पैसा क्लेम नहीं करेगा, एक काम करता हूँ मैं एज एन एम्प्लॉय मैं खुद ही पैसा निकाल लेता हूँ, मालिक को बोल दूंगा कि मैंने सप्लायर को पे करा, इस तरह की चीजें, तो वेजेस की शीट टोटली में गड़बड़ कर दी, डबल पेमेंट कर दी, पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसा काम ले लिया, मतलब ये दोनों एम्प्लॉय के फ्रॉड है, ये तीनों सारे एम्प्लॉय के फ्रॉड है, डबल पेमेंट कर दिया, पर्सनल एक्सपेंस एम्प्लॉय ने खुद के जेब के खर्चे से मीट कर लिए, सप्लायर ने क्लेम नहीं करा था मैंने खुद ने कर लिया, पैसा निकाल लिया, टोटलिंग में मैंने गड़बड़ कर दी वेजेस शीट के और मैंने खुद ने पैसा निकाल लिया, तो ये चेक कैसे करूंगा मैं, ये चेक करूंगा एविडेंस ऑफ कैश में, एक्नॉलेजमेंट पार्टी सामने आएगी, पार्टी से एक्नॉलेजमेंट लूंगा कि आपको पेमेंट हुआ नहीं हुआ, बियरर चेक से जो जो भी पैसा गया उससे मैं चेकिंग करूंगा, टोटलिंग देखूंगा मैं वेज शीट की पूरी, पेटी कैश भी दूंगा, पेटी चीजों में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है कुछ भी होती है, तो बैंक से कितना विड्रॉ हुआ असली में वो चीज चेक करूंगा, किसके पास गया बैंक पासबुक चेक करूंगा, ठीक है। उसके बाद सप्लायर लेजर, सप्लायर लेजर के अंदर क्या फ्रॉड हो सकता है, सप्लायर को डबल पैसा दे दिया, क्वांटिटी ज्यादा दिखा दी कि ज्यादा माल आया था असली में कम आया था, पर असली में ज्यादा मेल आया था तो उसको ज्यादा पेमेंट करो, आया 500 रुपये में था माल पर मैंने बोला कि इसको 1000 रुपये के हिसाब से माल आया था, आप 1000 रुपये का पेमेंट करो, मैंने क्या या तो दो बार इन्वॉइस दिखा दिया, क्वांटिटी ज्यादा दिखा दिया प्राइस ज्यादा दिखा दिया, तो दो बार इन्वॉइस पूरा दो बार दिखा दिया, या फिर क्वांटिटी ज्यादा दिखा दिया प्राइस ज्यादा बता दिया, या तो इन्वॉइस ही दो बार दिखा दिया क्वांटिटी ज्यादा बता दिया प्राइस ज्यादा बता दिया, या तो इन्वॉइस ज्यादा दो बार बता दिया फिर क्वांटिटी ज्यादा बता दी प्राइस ज्यादा बता दी, दो बार बता दिया डबल बार बता दिया, या तो इनवॉइस ही डबल बार दिखा दिया ये प्राइस ज्यादा बता दी और क्वांटिटी ज्यादा बता दी, इनवॉइस ही डबल बार बता दिया फिर प्राइस ज्यादा बता दी क्वांटिटी ज्यादा बता दी, इनवॉइस ही डबल बार बता दिया प्राइस ज्यादा बता दी क्वांटिटी ज्यादा बता दी, इनवॉइस ही डबल बार बता दिया प्राइस ज्यादा बता दी क्वांटिटी बता दी, इनवॉइस ही डबल बार बता दिया प्राइस ज्यादा बता दी डबल बता दी, इनवॉइस ही डबल बता दिया प्राइस बढ़ा दिया क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है ना। तो अब असली में क्या हुआ था, एक इनवॉइस आया था मैंने फिक्टिशियस और डुप्लीकेट इनवॉइस का पेमेंट करा दिया, प्राइस हायर कर दी, प्राइस मतलब इनवॉइस जो हायर मार्केट प्राइस से ज्यादा का इनवॉइस इशू हुआ, क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी मतलब असली के अंदर जो मैंने परचेज रिटर्न करा था वो मैंने शो ही नहीं करा, क्रेडिट नोट जो इशू हुआ था
वो मैंने शो ही नहीं करा सप्लायर की तरह से, क्वांटिटी कम मैंने जबरदस्ती ज्यादा बता दी, जो सप्लायर का अनक्लेम अमाउंट था वो मैंने विड्रॉ कर लिया एज एन एम्प्लॉय। तो मैं कैसे चेक करूंगा इन चीजों को? मैं चेक करूंगा जो जो परचेस करा असली के अंदर, तो वो जो परचेस की बुक होगी, परचेस की जनरल, जो परचेस करने पर माल भी आता है, माल कंपनी के अंदर आएगा, तो उसको इन्वर्ट रजिस्टर जो होता है ना, इन्वर्ट रजिस्टर से भी चेक करूंगा और सप्लायर के इनवॉइस से भी चेक करूंगा। जो भी परचेस के अंदर परचेस रजिस्टर है उसको इनवर्ट, माल जो इनवर्ट आया है वो इनवर्ट एक बुक होती है उससे भी चेक करूंगा और सप्लायर के इनवॉइस से भी चेक करूंगा। मैं सप्लायर को बोलूंगा भाई तेरा इन्वेस्ट जो स्टेटमेंट जो फर्निश कर दिया कर, कंफर्मेशन एक तरह से, कंफर्मेशन ऑफ बैलेंस। इंटरनल कंट्रोल चेक करूंगा कि परचेस ऑर्डर का है, कि कोई भी माल बिना परचेस ऑर्डर के नहीं मैं खरीद सकूँ, ऐसा वाला। कस्टमर लेजर में क्या गड़बड़ी होती है? टीमिंग लीडिंग वाली मेन एक गड़बड़ी है। टीमिंग लीडिंग वाली गड़बड़ क्या होती है? टीमिंग लीडिंग समझती हो कि किसी भी कस्टमर से अगर पैसा आना होता है, तीन तरह के डेटर है, ए बी सी। ए से मुझे 5 तारीख को पैसा रिसीव होना था, इससे 10 तारीख को रिसीव होना था, इससे 15 तारीख को रिसीव होना था। अब ये चेंज चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। तो 5 तारीख को जो पैसा मिला था ना, वो मैंने एज एन एम्प्लॉय मेरे पर्सनल यूज में काम ले लिया, काफी ले लिया पर्सनल यूज में। जो 10 तारीख का पैसा आया था वो मैंने बता दिया कि ए से आया, जो 15 तारीख का पैसा आया वो मैंने बी से बता दिया, फिर यहाँ का जो पैसा आएगा वो उनको सी से लगा दिया, यहाँ से पैसा आया वो उनको यहाँ से लगा दिया, यहाँ से पैसा आया तो यहाँ मैंने ये इससे आ गया इससे आ गया। ये चेंज चलती जाएगी, टीमिंग लीडिंग। एक टाइम से पैसा आया वो मैंने दूसरे में एडजस्ट करके बता दिया। वो किसे चेक करोगे? मैंने परचेस के अंदर बताया था, परचेस बुक से चेक करोगे। यहाँ के अंदर है कि कस्टमर हैव डेबिटेड, वो मैं क्रॉस चेक करूंगा सेल्स से। वहाँ पे परचेस को चेक करा था, यहाँ पे सेल्स को चेक करूंगा, सेल्स को और कस्टमर को चेक करूंगा। कोई भी गुड्स रिसीव हुआ है, कोई भी गुड्स रिटर्न हुआ है, या फिर मैंने उसको डिस्काउंट दिया है तो उस पर स्पेशल अटेंशन दूंगा। सेम मैं कंफर्मेशन मंगाऊंगा कस्टमर से, जैसे मैं कंफर्मेशन परचेसर से मंगा रहा था वहाँ पे, सप्लायर से सॉरी। दो क्वेश्चन और है फटाफट। वेज ऑफ कमिटिंग फ्रॉड, इन्वेंट्री फ्रॉड। इन्वेंट्री फ्रॉड कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? इन्वेंट्री फ्रॉड हो सकता है एम्प्लॉई माल अपना घर पे उठा के ले गए हो, चोरी करके ले गए हो, एम्प्लॉय ने मैनिपुलेशन कर दिया, ले तो घर पे गए वो माल, पर्सनल यूज में उन्होंने ले लिया, पर जो अपने असली में बुक्स था उनको मैनिपुलेट कर दिया, बुक्स के अंदर बता दिया कि जो चार वो चीजें एक्स्ट्रा लेके गए थे वो बता दिया कि वो जो रॉ मटेरियल थे वो चार वो लेके तो घर पे गए थे, उन्होंने बोला कि नहीं प्रोडक्शन में ओवर यूज हो गया, अब नॉर्मल वेस्टेज हुआ था इसलिए प्रोडक्शन में ज्यादा यूटिलाइज हो गए वो चारों, तो वो ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं कि प्रोडक्शन के लिए ज्यादा वो यूज में आ गए वो लोग। एम्प्लॉय ने चोरी करी है, रिमूव कराए, थेफ्ट करी है, और उसके बाद मैनिपुलेट भी कराया उन्होंने, एम्प्लॉय ने उस डाटा को मैनिपुलेट करके बोला है कि इन्फ्लेट कर दी प्रोडक्शन में, हमने ज़्यादा इशू कर दी क्वांटिटी। ठीक है, पूरा लाइन वाइज एक साथ चल रहा है ये। एम्प्लॉय ने चोरी करी है, फिर वो मैनिपुलेशन कर रहे अकाउंट्स की, एम्प्लॉय ने चोरी करी है फिर वो मैनिपुलेशन कर रहे अकाउंट्स की कि प्रोडक्शन में ज़्यादा इशू कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने। ठीक है, डिस्पेच बट नॉट एंटर इनटू सेल्स। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन तुम इसका कैसे करोगे? भाई सबसे पहले तो इन्वेंट्री का मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड का जो भी इंटरनल कंट्रोल होगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का रिसीप्ट से लेके इशू से लेके सेलिंग का लेकर पूरा जो भी इन्वेंट्री का प्रोसेस होगा उस पर इंटरनल कंट्रोल अच्छे लगाऊंगा। फिर मैं बोलूंगा भाई अपने इंटरनल कंट्रोल यहाँ पर अच्छा लगाऊंगा, फिर मैं उसकी फिजिकल क्वांटिटी भी आए दिन चेक करूंगा, इंटरनल कंट्रोल अच्छा लगाऊंगा फिजिकल क्वांटिटी भी चेक करूंगा, देखूंगा कोई पूरी की पूरी अथॉरिटी एक सिंगल पर्सन के पास नहीं हो वरना फ्रॉड हो सकता है। इन्वेंट्री के साथ जो बुक होगी, इन्वेंट्री बुक होगी उसको मैं क्रॉस चेक करूंगा गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर से, मतलब गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर समझते हो, जब भी माल कंपनी के गेट से बाहर जाता है, कंपनी के गेट के अंदर अंदर आता है तो एक गेट का इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर होता है, तो जब भी इन्वेंटरी बुक है उसको मैं ग्रेट इनवर्ड और आउटवर्ड बुक से क्रॉस चेक करूंगा। और वो जो मैंने बोला था कि ऊपर वो बता देंगे, ऊपर उन्होंने बताया था ना कि प्रोडक्शन के अंदर हमने ज्यादा इशू कर दिया माल को, उसका अबनॉर्मल वेस्टेज हो गया, तो वो चीज के लिए मैं अगर कॉम्पिटेंट नहीं हूं तो या तो मैं उसका पास्ट ट्रेंड देखूंगा कि पास्ट ट्रेंड के अंदर इतना अबनॉर्मल वेस्टेज हुआ था कि जितना इन्होंने इस बार बताया, और अगर मैं उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूं तो मैं किसी इंजीनियर वगैरह को हायर करूंगा कि भाई तू बता कि इतना इसका माल असली में रेशियो वगैरह लगना चाहिए था क्या। एंटायर सिस्टम ऑफ रिसीट स्टोरेज डिस्पेच ऑफ गुड्स, चेकिंग फिजिकली द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री, फिजिकल चेक करूंगा पूरा का पूरा सिस्टम, रिसीट स्टोरेज डिस्पेच का पूरा सब मैं देखूंगा कहाँ पे वीकनेस है पूरे सिस्टम में, फिजिकली चेक करूंगा किसी भी एक सिंगल पर्सन के पास पूरा ऑथराइजेशन नहीं होना चाहिए। इन्वेंट्री बुक को मैं चेक करूंगा, क्रॉस चेक करूंगा गुड्स इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर से, इन्वेंट्री रिसीव नहीं करी पर अपन ने उसके लिए पे कर दिया ऐसा मैं देखूंगा, मैं देखूंगा कोई भी शॉर्टेज हुई इन्वेंट्री की जो इन्फ्लेट कर रहा है वो वेस्टेज को इन्फ्लेशन कर रहा है, तो मैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंजीनियर की असिस्टेंस भी लूंगा, पास्ट रिकॉर्ड का ट्रेंड भी चेक करूंगा कि इतना शॉर्टेज हर बार आता है क्या, इतना यूटिलाइजेशन होता है क्या रॉ मटेरियल का हर बार, वो सब चीज़ मैं चेक करूंगा। अब इश्यू टू बी कीप्ड इन माइंड बाय द इन्वेस्टिगेटर बाय प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, आरटीपी का क्वेश्चन है, क्या क्या चीजें मैं दिमाग में रखूंगा एज एन इन्वेस्टिगेटर जब मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बनाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बनाऊंगा तो क्या क्या चीज दिमाग में रखूंगा? भाई मुझे क्या क्या दिमाग में रखना है, नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन,
मैं जब भी कोई एक रिपोर्ट बनाऊंगा भाई, कोई भी भैजावा समझाया, चाहे मैं ऑडिट रिपोर्ट बनाऊं, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनाऊं, फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाऊं, या ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनाऊं, कुछ चीजें तो मुझे ये चीजें लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? कुछ चीजें, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, क्या था मेरी इन्वेस्टिगेशन का, ये फालतू की रामायण तो ऊपर लिखनी लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, ये चीज तो याद रख के रखो, मन दिमाग में घुसा लो। नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन हर जगह लिखनी है तुमको, चाहे फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट बनाओ या ड्यू डिलिजेंस की बनाओ या इसकी बनाओ, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन हर जगह लिखनी लिखनी है, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव। ये तो ठीक है, ये पॉइंट याद कराने लायक है ही, ये तुमको याद है। क्योंकि अब मैं अब रिपोर्ट बनाऊंगा तो मुझे देखना है, मुझे ओनली रिलेवेंट चीजें लिखनी है और मुझे वर्डिंग पे बहुत ध्यान देना है। भाई इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कोई मजाक नहीं है, ओनली रिलेवेंट चीजें लिखो और वर्डिंग पे बहुत ध्यान दो, वर्डिंग पे बहुत ध्यान रखो। अगर तुमने कोई भी अजम्पशन लिया है कंक्लूजन पे आने के लिए, अगर तुमने कोई भी अजम्पशन लिया है कंक्लूजन पे आने के लिए, तो उसको अजम्पशन को वहां पे लिखो, ओपिनियन पे रख, फिर फाइनली उसके बाद वहां पे एक तो अजम्पशन तो लिखने हैं जो जो तुमने कंक्लूजन पाने के लिए, फिर फाइनली जो तुम्हारा ओपिनियन है उसको तुम एक पैराग्राफ में लिख दो अलग से, उसको तुम एक पैराग्राफ में लिख दो अलग से। वापस सुनो, वापस सुनो, अभी याद नहीं होगा, एक दो बार बोलेंगे तब याद होगा, मेरे साथ बोलो। सोचो मतलब क्या हो रहा है भाई, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, बहुत क्रूशियल है, तो ओनली रिलेवेंट चीजें लिखनी है, ओनली रिलेवेंट चीजें, वर्डिंग पे खास कर ध्यान रखना भाई, हर कुछ मत लिखना, ओनली रिलेवेंट चीजें लिखनी है, वर्डिंग पे खास करके ध्यान रखना। और अगर तुमने कोई अजम्पशन लिए है कंक्लूजन पाने के लिए, तुमने कोई अजम्पशन लिए कंक्लूजन के लिए, तो अजम्पशन यहाँ पे लिख देना। फिर सब कुछ हो गया ना, उसके बाद सब कुछ होने के बाद जो भी आपका ओपिनियन बना, जो भी आपका ओपिनियन लिखा बना है, वो फाइनली एक पैराग्राफ में लिख देना, जो भी आपका ओपिनियन बना है वो फाइनली एक पैराग्राफ में लिख देना। ओनली रिलेवेंट चीजें लिखना, वर्डिंग पे खास करके ध्यान रखना, जो भी अजम्पशन लिए आपने कंक्लूजन पे आने के लिए वो लिख देना, फिर फाइनली जो भी आपका ओपिनियन आया उस ओपिनियन को एक पैराग्राफ में लिख देना। डन, ये हो गया याद। अब इसका मतलब समझ लो, सेवन रिलेवेंट रिलेवेंट चीजें लिखनी है, इररिलेवेंट चीजें कुछ भी मत लिखना। वर्ड वगैरह पे एक्सप्रेशन पे आपके ध्यान रखना, कहीं भी ऐसा नहीं हो कि डबल मतलब निकल रहे हो किसी एक वर्ड के, जैसे तुम डबल मीनिंग बातें करते हो, वैसी वाली बातें वहां पे मत लिखना, गंदी गंदी, मतलब डबल मीनिंग अवॉइड करना। ओके, अजम्पशन जो जो भी लिए वो वहां पे बता देना, जो भी रिलेवेंट फैक्ट है कंक्लूजन के लिए वो एविडेंस से लिंक कर देना, ठीक है। ओपिनियन क्या है वो फाइनल पैराग्राफ के अंदर तुम बता देना, तुम्हारे फाइनल पैराग्राफ के अंदर डाल देना ओपिनियन, और पैराग्राफ फॉर्म के अंदर आप रिपोर्ट बनाना विद अप्रोप्रिएट हेडिंग, पैराग्राफ फॉर्म विद अप्रोप्रिएट हेडिंग आप रिपोर्ट बना देना। डन, तो अब आपको पता पड़ गया इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कैसे बनानी है। ओके, तो बाय बाय, टाटा, सी यू। अपना पूरा लेक्चर खत्म हो चुका है। वैसे आपको बुक परचेस करनी तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है, नीचे आप सॉफ्ट कॉपी परचेस कर सकते हो, बहुत सस्ती दे रहा हूँ, 250 रुपये की आपको मिल जाएगी पूरी अच्छी अच्छी बुक। और अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए, नहीं सर हमको तो फ्री वाले चाहिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर फ्री नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से उठा लेना, जो जो फ्री नोट्स पड़े हुए हैं बहुत से चैप्टर्स के। चलो, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, बाकी के चैप्टर के साथ जल्दी मिलेंगे।